नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मटर पनीर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मटर पनीर मैं किस तरीके से बनाऊँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर पनीर को मैरिनेट किया है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और आधी चम्मच नींबू के रस से। नींबू का रस मैं पनीर में इसलिए मिलाती हूँ जिससे कि एक पनीर में जो स्वाद है वो थोड़ा बढ़ जाता है और जो पनीर फ्राई करते समय टूटने लगते हैं वो थोड़ा कम होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर नींबू का रस ऐड करती हूँ पनीर में। अब पनीर को मैं तो अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब मैं पनीर को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को हमें मीडियम रख के फ्राई कर लेना है। देखिए पनीर जो है लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक अलग से प्लेट में निकाल के रख लूँगी। उसी कढ़ाई में मैंने और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर एक बड़ा प्याज जो है वो मैं चॉप करके यहाँ पर ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर एक जन के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो जो लगता है मसाले मैं आपको वो मेंशन करती रहूँगी। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है जो कि मैंने बारीक कट कर लिया है और इसे मुझे अच्छे से फ्राई करने होंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई कर लूँगी जब तक कि प्याज जो थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक मुझे इसको फ्राई करने होंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च जो मैंने पहले से चॉप करके रखे थे वो मैं यहाँ पर काट के ऐड कर दूँगी। और आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम में देके करीबन 5 मिनट के लिए, नहीं सॉरी 3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। ढक के थोड़ा सा पकाएंगे। 3 मिनट बाद देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसमें एक छोटा टमाटर जो है उसका प्यूरी बना के इसमें ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से भूनना होगा जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। इसलिए हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाँ एकदम चुटकी भर हींग और स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर रही हूँ। करके अब मैं मसालों को अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब तक मसाले अपना तेल ना छोड़ दे तब तक हमें इस मसाले को भूनते रहना है। और मसालों को भूनते समय हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो मसाले जो है वो बिल्कुल जल जाएंगे। इसे हमने 5 मिनट तक भून लिया है मसाले को। अब मैं इसमें जो स्पेशल चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है सेजवान चटनी। मैं इस रेसिपी को सेजवान चटनी से बनाऊँगी क्योंकि ये जो चटनी है वो बहुत स्पाइसी है तो ये बहुत अच्छा लगता है मटर पनीर के साथ। तो मैं शेज़वान चटनी जो है वो इसमें ऐड करूँगी। मैंने अभी तक अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि शेज़वान चटनी में अदरक और लहसुन पहले से ही होता है, इसलिए मैं अलग से लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं मसालों को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लूँगी एकदम लो हीट में। मुझे अच्छे से मसाले को फ्राई करना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब हम इसको ढक देंगे करीबन 5 मिनट के लिए। हम बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जो है मसाले के बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर पहले से ही बॉयल किए हुए मटर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा बॉयल करके मटर को फिर ऐड कीजिएगा तो ये अच्छा बनता है। मटर को हम पहले से बॉयल करके रखे हैं। अब हम इस मसाले को मटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जिससे कि मटर में अगर थोड़ा सा भी कच्चापन रहे तो वो दूर हो जाए। इसलिए हम मसालों के साथ मटर को और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और मटर के अंदर ये स्वाद जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई
तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर मसाले जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से भून चुके हैं और ये तेल छोड़ दिया है मसाले में। अब हम इसमें और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें करीबन एक कप पानी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने एक बड़ा कप का एक कप पानी हमने इसमें ऐड कर लिया है। ऐड करके हम थोड़े इसको मिक्स करके फिर हम ढक देंगे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। लो फ्लेम में हम इसको ढक के पकाएंगे। आठ मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन निकाल के इसमें पनीर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर जो पनीर पूरे फ्राई करके रखे हुए थे वो मैं पूरे ऐड नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ही। मैं क्योंकि मैं एक जन के लिए बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर थोड़े कम पनीर जो है वो उसमें ऐड किए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ग्रेवी जैसे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक टीस्पून हम कस्तूरी मेथी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए कस्तूरी मेथी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है मटर पनीर। अब आप ये किसी के साथ भी खा सकते हो, रोटी, चावल, फ्राइड राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। आज का ये वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी। नमस्ते।